तो क्लास, अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम बात करें इकोसिस्टम में किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोडक्टिविटी, दूसरा हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और एट लास्ट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो अगर हम बात करें इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम का। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हम यहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे। पॉन्ड, जैसा कि आप जानते हैं, एक शैलो वाटर बॉडी होती है जिसमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आसपास में जो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे। तो अगर हम बात करें एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं सन, सॉइल और वाटर, जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ अगर इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो हमें मिलेंगे ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स, जो कि अपना फूड खुद प्रोड्यूस करेंगे और आगे जाके कंज्यूमर्स को हेल्प करेंगे अपना न्यूट्रिशन ओबटेन करने में। अगर हम बात करें हीटरोट्रॉफ्स की, तो इसमें आएंगे हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स और आएंगे डिकम्पोजर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन से फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं कि एंटायर पॉन्ड में किस तरीके से फंक्शन की रेट अफेक्ट होगी, तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सोलर इनपुट के बारे में। इसका तो डायरेक्ट रिलेशन आप निकाल ही सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करती है। तो अगर प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस ढंग से या अच्छे से कर पाएंगे? तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, जो कि पॉन्ड के फंक्शन को भी अफेक्ट करेगी। इसके अलावा हम बात करें साइकिल ऑफ टेम्परेचर की। जो टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहे हैं, डेफिनेटली वो भी वाटर के टेम्परेचर को रेगुलेट या चेंज करेंगे। इसके आसपास रहने वाले जो एनिमल्स हैं या जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो भी डेफिनेटली अफेक्ट होंगे इन टेम्परेचर चेंजेस से, और उनकी फंक्शनिंग भी अफेक्ट होगी। इसके अलावा जो डे लेंथ है या जो दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती हैं, जो रेगुलेट करती हैं बहुत सारे फंक्शंस को जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा हम बात करें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की एक पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। अगर हम बात करें कंज्यूमर्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो इसमें आते हैं एग्जांपल्स जैसे कि जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स में भी फ्री स्विमिंग या बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, और हम बात करते हैं लार्ज फिशेस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें डिकम्पोजर्स के बारे में कि कौन कौन से डिकम्पोजर्स आते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो इसमें आते हैं फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स। तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो बाकी सारे प्लांट और एनिमल मटेरियल, जो डेड प्लांट और एनिमल है, उन्हें डीके और डिकम्पोज करते हैं, और जो डेड मैटर है उसे मिनरलाइज करने में मदद करते हैं। और इसी डिकम्पोजिशन की वजह से बहुत सारे मिनरल्स वो रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में। यही मिनरल्स पार्ट बनाते हैं सेडिमेंट्स का और पानी का पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो जो एल्गी है, एल्गी को खाते हैं स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाती है बिगर फिश या लार्ज फिश। तो हम बात करें एल्गी है वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर को खाते हैं टॉप कंज्यूमर। ये तो हमने सीखा ही है। पर अगर हम इसमें एनर्जी फ्लो की बात करें, तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हमें मिलता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो यानी जो एनर्जी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रही है, वो वापस प्रोड्यूसर के पास रिटर्न नहीं हो रही है। तो अगर एल्गी को स्मॉल फिश खा रही है, तो एनर्जी आगे स्मॉल फिश के पास गई, और स्मॉल फिश को बिगर फिश खा रही है, तो फिर से एनर्जी आगे बिगर फिश के पास गई, लेकिन वापस बिगर फिश से एनर्जी प्रोड्यूसर या एल्गी के पास नहीं आएगी। तो इसलिए हमने बोला जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर। इसके बाद हम बात करें जब फिशेस और एल्गी मर जाते हैं, तो ये डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, और ये ऑर्गेनिक मैटर फिर आगे जाके ऑटोट्रॉफ्स यूज कर लेते हैं सॉइल से, और अपना खाना फिर बना लेते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके। तो इससे हम समझ पा रहे हैं, एक प्रोसेस हो रहा है डिकम्पोजिशन, और दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो आपने देखा किस तरीके से इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन भी हुआ, प्रोडक्टिविटी भी हुई, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हुई, और एनर्जी भी फ्लो हुई प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास।